एक तरफ शहनाज का लास्ट प्रोजेक्ट यानी कि हैबिट सॉन्ग, तो दूसरी तरफ शहनाज गिल का सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट। ये दोनों ही सॉन्ग ट्रेंडिंग पेज पर लगे हुए हैं और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है शहनाज के लिए, सिद्धार्थ के लिए, सभी शहनाजियंस के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है। मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात आपसे कहना चाहूँगा जो मुझे डाउट लगा, बाकी इसमें मैंने कोई भी अभी कमेंट्स के ऊपर नोटिस नहीं किया है, बट हाँ ये है जो मुझे डाउट लगा है, जो मुझे दिखा है, उसके आधार पे मैं आपसे रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों ही शहनाज के सॉन्ग कंपेयर क्या करना यार, है ना, और कंपेयर तो हम वैसे भी किसी और से नहीं करते। अगर नज़र डालें हम शहनाज के हैबिट सॉन्ग पर, जो कि 18 मिलियन व्यूज़ इसके ऊपर कंप्लीट है, नंबर 7 ट्रेंडिंग पर लगा हुआ है, 1.5 मिलियन इसके ऊपर लाइक्स हैं, 1.5 मिलियन, और 20 अक्टूबर को ये सॉन्ग लेके आया गया। इसमें वो सारे शहनाज के मोमेंट्स हैं जो गोवा में आज से करीब राउंड फिगर लिया हम एक साल कह सकते हैं, न्यू ईयर के टाइम पर ही, और अब भी न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर के टाइम में गोवा में ये शूट हुआ था, उसके बाद से फैंस की डिमांड रही थी कि हमें हमारा सॉन्ग दिया जाए जिसका नाम है हैबिट। तो इसीलिए शहनाज हैबिट सॉन्ग अब उसको दोबारा से लेकर आया गया है शहनाज की पिक्चराइज के साथ में, चाहे BTS हो या फिर जेन्युइन वाला शूट हो। इसकी डिटेल सारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, 3 से 4 लोकेशंस का ये सॉन्ग जो है वो बनना था। नंबर 7 ट्रेंडिंग पर, 1.5 मिलियन लाइक, 18 मिलियन व्यूज। मगर अब हम दूसरी तरफ बात करें शहनाज गिल की, जो कि उनके खुद के YouTube चैनल पर आया है, 22 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 22 मिलियन सिर्फ 4 दिनों में। इसकी डेट रखी गई थी 29 अक्टूबर की, 29 अक्टूबर 2021 में ये सॉन्ग लेके आया गया। 4 दिन में 22 मिलियन व्यूज क्रॉस करना, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, सभी फैंस ने वो करके दिखा। ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है, साथ ही साथ में 2.7 मिलियन इसके ऊपर लाइक्स हैं। शहनाज के YouTube चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, कम नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, 8 लाख के करीब शहनाज के सब्सक्राइबर्स ग्रो हुए हैं इस वाले ट्रिब्यूट से, 22 मिलियन। मगर मेरा कहना यह है कि हैबिट पर 18 मिलियन क्यों और तू यहीं है पर 22 मिलियन क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि कम होना चाहिए थे, मैं ये कह रहा हूँ कि शहनाज के जो सॉन्ग है तू यही है, सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट, 22 मिलियन है, तो भाई हैबिट भी उसी लेवल पर होना चाहिए ना यार। हैबिट भी हमें कम से कम 25 कह रहा हूँ, जिस तरह से सॉन्ग जो है वो 20 अक्टूबर में ये सॉन्ग आया, तो जब के अकॉर्डिंगली अगर लगाया जाए तो सॉन्ग तो अभी तक 30 मिलियन होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि शहनाज का जो लास्ट प्रोजेक्ट हैबिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि सपोर्टिंग काफ़ी कम पड़ रही है हैबिट के लिए। जो एक्चुअल में व्यूज़ होने चाहिए वो है ही नहीं यहाँ। अगर हम 20 अक्टूबर से अभी तक लगाएंगे तो आज 2 तारीख हो चुकी है, 2 नवंबर, यानी कि पूरे 12-13 दिन सॉन्ग को हो चुके हैं, कल ही इसको 2 हफ्ते हो जाएंगे, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ। 18 मिलियन व्यूज़, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम व्यूज़ हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है 18 मिलियन, मगर हमारा फैंडम कुछ बड़ा सोचता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट को प्यार दिखाओ। तू यही है, मुझे पता है कि आप ये लगातार स्ट्रीम कर रहे हैं, मगर साथ में हैबिट भी करते रहिए। आपने दोनों ही सॉन्ग कितनी कितनी बार देखे वो नीचे हमें कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सॉन्ग को प्रमोट करो ताकि ज़्यादा व्यूज़ आएँ और हमारा लास्ट प्रोजेक्ट जल्द से जल्द 100 मिलियन लग सके।